हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राहुल जी मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान के शुरुआती 24 दिनों के, अदा शर्मा की फिल्म द केरला स्टोरी के शुरुआती 10 दिनों के, विद्युत जामवाल की फिल्म IB71 और श्रीनिवास की फिल्म छत्रपति के शुरुआती 3 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही जानेंगे आज कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बाजी मार रही है, तो देखते रहिए पूरा वीडियो। मैं आपका दोस्त सुमित केरावल, तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले बात करें फरहाद सामजी के डायरेक्शन में बनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान की, तो यह एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें लीड रोल में देखने को मिल रहे हैं सलमान खान, पूजा हेगड़े, वेंकटेश और जगपति बाबू। वही दोस्तों, इस फिल्म को 21 अप्रैल को रिलीज किया गया है जिसे रिलीज हुए आज बॉक्स ऑफिस पर 24 दिन हो रहे हैं। तो बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो यह फिल्म अपने 24वें दिन यानी आज लगभग 25 लाख रुपए कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म के शुरुआती 24 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 109 करोड़ 98 लाख रुपए का, तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो रहा है 132 करोड़ 50 लाख रुपए का, तो ही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है 184 करोड़ 10 लाख रुपए का। वहीं दोस्तों, अब बात करें सुदीप्तो सेन के डायरेक्शन में बनी फिल्म द केरला स्टोरी की, तो यह एक ड्रामा फिल्म है जिसमें लीड रोल में देखने को मिले अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सोनिया बलानी, सिद्धि ईदानी। वहीं दोस्तों, इस फिल्म को 5 मई को रिलीज किया गया है जिसे रिलीज हुए आज बॉक्स ऑफिस पर 10 दिन हो रहे हैं। तो बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो यह फिल्म अपने 10वें दिन यानी आज लगभग 25 करोड़ रुपए कलेक्शन कर रही है। इसके साथ दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआती 10 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 137 करोड़ 87 लाख रुपए का, तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो रहा है 153 करोड़ 20 लाख रुपए का, तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है 153 करोड़ 20 लाख रुपए का। वही दोस्तों, अब बात करें संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी फिल्म IB71 की, तो एक मिस्ट्रियल एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें लीड रोल में देखने को मिले हैं विद्युत जामवाल, अनुपम खेर, विशाल जेठवा और फैजन खान। वही दोस्तों, इस फिल्म को 12 मई को रिलीज किया गया है जिसे रिलीज हुए आज बॉक्स ऑफिस पर 3 दिन हो रहे हैं। तो बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो यह फिल्म अपने 3रे दिन यानी आज लगभग 2 करोड़ रुपए कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म के शुरुआती 3 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 6 करोड़ 17 लाख रुपए का, तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो रहा है 6 करोड़ 65 लाख रुपए का, तो वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है 7 करोड़ 15 लाख रुपए का। वही दोस्तों, लास्ट में बात करें वी विनायक के डायरेक्शन में बनी फिल्म छत्रपति की, तो यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें लीड रोल में देखने को मिल रहे हैं श्रीनिवास, नुसरत भरूचा, भागश्री और शरद केलकर। वही दोस्तों, इस फिल्म को भी 12 मई को रिलीज किया गया है जिसे रिलीज हुए आज बॉक्स ऑफिस पर 3 दिन हो रहे हैं। तो बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो यह फिल्म अपने 3रे दिन यानी आज लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म के शुरुआती 3 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 2 करोड़ 20 लाख रुपए का, तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो रहा है 2 करोड़ 50 लाख रुपए का, तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है 2 करोड़ 90 लाख रुपए का। तो दोस्तों, ये थी इन चारों फिल्मों के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि आज द केरला स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर बाजी मार लिया है। तो दोस्तों, अगर आपने इन चारों फिल्मों को देख लिया तो हमें नीचे कमेंट्स को जो बताए कि आपको कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप भी ऐसी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट लेना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।